अवनमन कोण। आइए एक अन्य परिस्थिति पर चर्चा करें। रमा अपने घर की बालकनी में खड़ी है और उसके घर की तरफ आती हुई कार को देख रही है। इस स्थिति में क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। आकृति 12। अब यदि यह कार घर के और पास आ जाए तो आकृति 12 उस स्थिति में अवनमन कोण में क्या परिवर्तन आएगा? कोण अल्फा व बीटा में क्या संबंध होगा? क्या अल्फा बड़ा होगा बीटा से, या अल्फा छोटा होगा बीटा से, या अल्फा बराबर होगा बीटा के? आप देख सकते हैं कि कार व घर के बीच की दूरी कम होने पर अवनमन कोण का मान बढ़ता जाता है, यानी अल्फा बड़ा होगा बीटा से।